हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पकौड़े वाली कढ़ी। देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए, पकोड़े वाली कढ़ी के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये हमें पकोड़े बनाने के लिए बेसन चाहिए, और ये घोल के लिए बेसन चाहिए, और हमने धनिया लिया है हरा, और दही लिया है एक बाउल, और ये कड़ी पत्ता है, इसे मीठी नीम भी बोलते हैं, और ये लिया है मिर्ची पाउडर, और हल्दी पाउडर लिया है, हींग लिया है थोड़ी सी, और नमक लिया है स्वाद अनुसार, और ये हरी मिर्ची ली है हमने, एक चीरा देके और एक बारीक काटी है, और ये दो लाल मिर्ची ली है तड़के के लिए मैंने, और एक हरी इलायची ली है, एक डोंडा इलायची ली है, और दो लौंग ली हैं, चार पांच काली मिर्ची हैं, और ये कड़ी मसाला है, ये जीरा, सौंफ, राई, मेथी, ये चारों चीज़ें हैं मिक्स, और ये सब तड़के के लिए है। अब हम देखें पकौड़े का तैयार कर लेते हैं। तेल गरम करने रख दिया, हम घोल बना लेंगे पकौड़े का। इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे हल्का सा, थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, और मिर्ची कटी हुई डाल देंगे, एक जो हमने काट के रखी थी। गाढ़ा सा पकौड़े बेचता, इसको स्मूथ हो जाए इतना फेटेंगे। फेट लेंगे ताकि स्मूथ हो जाए। एक चम्मच तेल डाल देंगे गरम, जो हमने गरम होने रखा है। एक चम्मच ही डालेंगे। देख लेते हैं गरम हुआ है, हो गया है गरम। पकौड़े डाल देंगे हम छोटे छोटे, आप बड़े डालना चाहें बड़े भी डाल सकते हैं। एक तरफ से सूखे, अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये बन गए पकोड़े, और हम इसको निकाल लेंगे गैस बंद करके। इसी पकोड़े को उसमें हम घोल तैयार कर लेंगे। आप कड़ी गाढ़ी खाना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, नहीं तो एक चम्मच एक कलछी बहुत है। और दही डाल देंगे, इसको फेंट लें पहले बेसन को,
अच्छी तरह गुठली ना रहे। दही और बेसन को इस तरह फेंट लें पहले, ताकि एक भी गुठली ना रहे। अब हम इसमें हल्दी, मिर्ची और नमक स्वादानुसार सब तीनों चीजें डाल के फेंट लेंगे। पानी डाल देंगे जितना आपको कड़ी बनानी है उस हिसाब से पानी डालें। अच्छी तरह से घोल लें इसको। हम इसको छोक देंगे, देखें तेल गरम हो गया। और हम इसमें हींग और ये मसाले डाल देंगे सारे। हरी मिर्ची और तेजपत्ता ही डाल देंगे, नीम पत्ती, कड़ी पत्ती डाल देंगे और ये घोल को डाल देंगे। कई कड़ी पतली खाना पसंद करते हैं, कई गाढ़ी पसंद करते हैं। आप जैसे भी खाना चाहें उस अनुसार पानी डालें। हम पकौड़ों को इस तरह से पिंच कर देंगे ताकि ये फूल जाएं, इस तरह से हल्का सा। ये मुंह खुल जाए छोटा सा ताकि कड़क ना रहे पकौड़ा। ये इस तरह से ये देखिए कड़ी पक गई है अच्छे से। कहते हैं 108 वाला है तब समझे कड़ी पक गई है, तो इसमें अच्छे से उबाल लें ताकि ये कच्ची ना रहे। अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े डाल के और गैस को बंद कर दें और इसको दो तीन मिनट के लिए हम ढक देंगे इसको ताकि पकौड़े फूल जाए। ढक के रख दें, देखिए पकौड़े फूल गए हैं। अब हम इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाल देंगे। ये लीजिए कढ़ी तैयार है, पकौड़े की कढ़ी तैयार है। अब इसमें हम तड़का डाल देंगे, जो मैंने घी में जरा सा जीरा और मिर्ची डाल के बनाया है। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने दाल में और चने की कढ़ी में बताया हुआ है। ये लीजिए पकौड़े की कढ़ी तैयार है, खाइए खिलाइए और मौज मनाइए।